बताने के लिए हम लोग यहाँ। इसके पहले भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या लगता है कि आज भी इस तरह का सिचुएशन बनेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस जो है लाठीचार्ज कर किसके आदेश पे करेगी, मुख्यमंत्री के ना जी। तो यही तो भाजपा की सरकार है, दलित पीछे अधिकार मांगने आएंगे उनको लटकाएगी। आप राजनीति कर रहे हैं चंद्रशेखर जी चुनाव का वक्त देख कर। मेरी राजनीति यही है, समझिए ना, राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता, ये राजनीति है कि जब मेरे भाई बहन यहाँ पिट रहे हैं 78 दिन से बैठे हैं धूप में बारिश में भूखे प्यासे, अगर मैं उनके बीच नहीं हूँ तो मेरी राजनीति बेकार। ये मेरी राजनीति है कि दलित पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ना, उनके जमात की बात करना, उनके लिए लाठी खाना, उनके लिए मुकदमे झेलना, ये मेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। सरकार ये राजनीति भी है, सरकार को बताए ना करने देना, इनके अधिकार देने। ये यूपी है चंद्रशेखर जी, यहाँ योगी जी का डंडा चलता है, ये भीम आर्मी है, ये हर स्थिति के लिए तैयार, समझ रहे ना, और वो हमारे दम को जानते हैं, बक्कल उतार देना और ये सब चीजें। हमने तो कल वेस्ट वालों ने तो कल वहां भी दिखाया किसान पंचायत में, जनता जब बक्कल उतारने पे आती है ना, अच्छे अच्छे लोगों की कुर्सी हिल जाती है। तो याद रखा जाए कि लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री करना चाहिए, मुझे उनसे उम्मीद नहीं। आप लोग वो बक्कल उतारे, वो लाठी चलवाए, गोली चलवाए, हमारे सीने तैयार हैं, आज हम यहाँ से अधिकार लिए बगैर जाएंगे। संवैधानिक मामला आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? किसकी है कोर्ट, किसे मिला है कोर्ट से न्याय? क्या आपका अब न्यायालय पर विश्वास नहीं है? कमजोर हो रहा है, इसलिए कमजोर हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ हमारे लोग वहाँ नहीं है, विचारधारा के लोग बैठ जाएंगे, सोचे जमींदार जो है वो हमें पीटता है और जमींदार का रिश्तेदार जो है वो पुलिस वाला है, तो कहाँ से मिलेगा न्याय? भाई सारे सिस्टम में तो इनके लोग बैठे हुए हैं, सरकार इनकी है, तो दलित पिछड़ों को न्याय कहाँ से मिलेगा? ये जो बेवकूफ बनाते हैं ना कि दलित पिछड़ों की सरकार झूठ है, ये एक लाइन से स्वर्णों की सरकार है और दलित पिछड़े यहाँ जिसकी जो उनकी अगर आज आपको न्याय नहीं मिलता तो कब तक आंदोलन करेंगे आप? जो इसको लीड जो है ना वो अभ्यर्थी कर रहे हैं, जो उनका आदेश होगा, उनका आदेश होगा कि चलिए कूच कीजिए, कूच करेंगे, उनका आदेश होगा कि तैयार हो जाए घिराव करने के, विधानसभा में घुसना तो घिराव करेंगे।